अल्बर्ट, कैसे आप सब? आशा खुश होगी, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो मैं ये ब्लॉग आपको दिखा रही हूँ कि खाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं के आने के लिए, और घर ठीक ठाक करना है, सफाई थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, तो बस उसी का ब्लॉग बन पाया है। ब्लॉग मेरे लेट आ रहे हैं, वीडियोस बाकी भी बनी हुई है, बस उनको एडिट करके डालना है, तो देखो कब टाइम मिलता है मुझे। तो आज मैं बस यही ब्लॉग डाल रही हूँ कि हमने क्या तैयारियाँ करी है खाने पीने की उनके आने के लिए, और ज़्यादातर मैंने म्यूज़िक ही लगाया है ब्लॉग में, तो होपफुली आप इंजॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। उलट दो सारी, कंप्लीट। खाने पीने की तैयारियों में ही लगी हूँ, और ये चने भिगोने जा रही हूँ, चने भिगो दूंगी। आटा बना लिया है मैंने, चने भटूरे बनेंगे सुबह के लिए, और रात का मेन्यू कुछ और है, वो भी दिखा दूंगी मैं आपको। ये हमने बनाना है, ने भिगो दिए हैं, और ये जार मेरे हाथ से गिर गया छूट के और टूट गया। है तो प्लास्टिक है, मोटा प्लास्टिक है काफ़ी, पर काफ़ी ऊंचाई से और तेज़ी से गिरा था तो टूट गया है। चलो ढक्कन पता नहीं कहाँ यूज़ होगा, ये भी फेंकना पड़ेगा, यहाँ देखती हूँ। तो बस एक जार तो हो गया है शहीद, अभी क्लीनिंग शुरू करने लगी हूँ। इधर चढ़ाई हुई है खीर बनने के लिए, खीर बन गई है, ये देखो अभी टाइम लगेगा इसको तैयार होने में, थोड़ा सा ये मिक्स नहीं हुई है अभी। खीर बन रही है और दही बनेगा, ये दूध गर्म करके रखा। ये बन गया है दही, तो मेरी बेटी की मदर इन लॉ भी आएंगी, उनको ब्लड प्रेशर की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो वो दाल सब्जी कम खाती हैं। ये मैंने क्रीम से बटर बनाया है, तो बटर ये वाइट वाला हमारे यहाँ सब बहुत पसंद करते हैं, बाजार वाला बटर इतना नहीं खाते, तो ये हम घर पे ही बना लेते हैं। फुल क्रीम जो आती है ना, उससे बन जाता है ये घर पर। तो ये सुबह के नाश्ते के लिए ही बना के रख लिया है मैंने, सुबह जैसे कुछ भी स्टफ्ड पराठे वगैरह कुछ बनाएंगे। तो ये वाली क्रीम है जिससे मैं बनाती हूँ बटर घर पे। साथ साथ सफाइयाँ भी कर रहे हैं, फ्रिज क्लीन किया है, ग्रॉसरी लेकर आए हैं, तो अभी ग्रॉसरी टिकाने लगे हैं, कुछ सामान फ्रिज का कुछ बाहर का रख रहे हैं, सारी है ठीक ठाक, जितना हुआ मैंने कर लिया। इधर ये रूम अभी नया तैयार किया है, आप लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं, तो अभी सोफे पे कुशन ठीक से नहीं आए हैं मैचिंग वाले, पुराने जो पड़े थे वही लगाए हैं, इसलिए डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। इसे थोड़ा सा और फर्निश करना है, अभी टाइम नहीं मिला क्योंकि आपको पता है कि बेबी आ गया था इसलिए, और ठंड बहुत है यहाँ पे, तो मैं बिना बात पे बाहर जाती ही नहीं जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, ज़रूरी होता है, तो जॉब पे तो जाना ही पड़ता है ना। फर्श पे भी झाड़ू लगा दिया है,